केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल मंगलवार शाम को अचानक धार स्थित भोजशाला पहुंचे, जहां उन्होंने स्मारक पर पहुंचकर जानकारी लेते हुए स्मारक के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। दरअसल प्रदेश में चल रही कोरोना महामारी के चलते सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जहां उन्होंने भोजशाला पहुंचकर निरीक्षण किया, व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही प्रदेश में स्थिति प्राचीन स्मारकों पर भी अभी आमजन के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। यह स्मारक सरकार के अधीन आने वाले मॉन्यूमेंट्स में है, जिसके चलते इसके रख रखाव की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसकी सुरक्षा और व्यवस्था का जिम्मा राज्य के पर्यटन मंत्री बखूबी निभा रहे हैं। पंद्रह तारीख तक हमारे सभी DSI के स्मारकों को हमने बंद रखा था और आज से फिर 10 दिन की कोरोना की महामारी के कारण स्मारकों को बंद रखने का मैंने निर्देश दिया है। लेकिन खाली समय में स्मारकों के रखरखाव और स्मारकों की जन सुविधाएँ, तो इस स्मारक में कहीं पर भी जन सुविधाओं का कोई स्थान नहीं है। यदि किसी को लघु संख्या के लिए जाना है या किसी के साथ कोई छोटा बच्चा है, ऐसी चीज़ें नहीं। हमने ताजमहल से शुरू किया था कि बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक फीडिंग सेंटर हो, ऐसा देश के वो टिकटिंग मॉन्यूमेंटों पर हमने व्यवस्था की है। दूसरे जितने भी टिकटिंग मॉन्यूमेंट हैं या जहाँ पर लाइट या लाइट एंड साउंड है, उन स्मारकों को हमने 9 बजे तक खोलने का तय किया।